हाँ स्टूडेंट तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जेनेटिक्स और मैंने आपको इसके बारे में जो भी व्हाट्सअप पे और जो भी ऑनलाइन मीडियम था जिसपे मैंने जो भी इंफॉर्मेशन दी तो आज जो उसी चीज़ को मैं वीडियो लेक्चर के फॉर्म में ठीक है ना आपके पास सेंड कर रहा हूँ तो प्रिंसिपल ऑफ इन्हीटेंस एंड वेरिएसन इसमें हम डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं व्हाट इज जेनेटिक्स जेनेटिक्स क्या है जेनेटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी डिज़ द स्टडी अबाउट हेरिडिट्री हाउ करेक्टर एंड ट्रेड्स आर ट्रांसफ़र फ्राम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग एंड हाउ वेरिएसन इन ऑफ स्प्रिंग इज डेवलप किस तरीके से वेरिएसन नई प्रोजनी में आता है ऑफ स्प्रिंग में आता है और करेक्टर फ्राम वन जनरेशन टू अनादर जेनरेसन फ्राम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग किस तरीके से ट्रांसफ़र होता है तो ये जो टर्म है जेनेटिक्स ये सबसे पहले डब्लू ने प्रपोज किया था एंड वॉट इज जेनेटिक्स मैंने बताया दिस इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच विड्यूज द स्टडी अबाउट हेडिट्री एंड वेरिएसन वेन ए आफ स्प्रिंग हाउ दिस ऑफ स्प्रिंग पज पज़स करेक्टर ट्रेड फ्राम पेरेंट हाउ करेक्टर एंड ट्रेड्स आर ट्रांसफर फ्राम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग ठीक है ना तो ये सारी चीज़ें हम इसी ब्रांच में डिस्कस करते हैं और ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक करेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग इसी को हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी क्या बोलते हैं हेरिडिटी बोलते हैं बेटा अब जहाँ बात वेरिएशन की बात करते हैं तो जब भी प्रोजनी प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ए सेक्सुअल में मेन डिफरेंस यही है कि ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पज सम वेरिएशन फ्रॉम पेरेंट कुछ वेरिएशन इनके अंदर पाया जाता है और इसकी जो रिसर्च है हिस्ट्री ऑफ रिसर्च इन जेनेटिक्स ठीक है ना इसको जेनेटिक्स के माध्यम से हम लोग इसमें रिसर्च भी करते हैं क्या वेरिएशन आया किस वजह से आया ये सारी चीज़ें तो ये सारा सब कुछ जो भी हम एक कलेक्टिव स्टडी करते हैं ऑफ़ हेरिट्री एंड वेरिएशन ये सब कुछ जेनेटिक्स में आता है बेटा ठीक है ना तो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें फादर ऑफ़ जेनेटिक्स कौन है फादर ऑफ़ जेनेटिक्स आपका मेंडल ठीक है ना फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स फादर ऑफ़ मॉडर्न जेनेटिक्स में आप देखो डब्ल्यू वॉटसन ठीक है ना अगर हम मॉर्गन की बात करें तो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स इनको कहा जाता है ठीक है ना क्योंकि इन्होंने ड्रासोफिला मिलानोगास्टर पर एक्सपेरिमेंट किया ठीक है ना और ये प्रूफ करने के लिए जैसे कॉन्सेप्ट जैसे जिसको हम लिंकेज बोलते हैं सेक्स लिंकेज बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस ठीक है ना लिंकेज मैप ऑन ड्रासोफिला मिलानोग्टर तो ये सारा सब कुछ जो एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स का फादर है उनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स इनको मॉर्गन को कहा जाता है अब आगे हम लोग बढ़ते हैं आगे का जो ह्यूमन जेनेटिक्स की बात कर करें ह्यूमन जेनेटिक्स एंड बायो जेनेटिक्स अगर हम ह्यूमन जेनेटिक्स फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स एंड बायो जेनेटिक्स की बात करें तो ए एरॉड ये आपका ये भी आप देखो इसमें इनको भी हम लोग डिस्कस करते हैं जो भी ह्यूमन के अंदर जो जेनेटिक्स या जेनेटिकल वेरिएशन या जेनेटिक डिसऑर्डर बहुत सारी चीज़ें आपने देखा होगा कई सारी ऐसी डिजीज़ होती हैं जो जेनेटिकल होती हैं मतलब पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र होती हैं मतलब जो भी पेरेंट है उनके अंदर वो जेनेटिकल डिजीज वो डिजीज़ पाया जाता है एंड दिस डिसऑर्डर इज़ ट्रांसफ़र फ्राम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन तो अगर हम ह्यूमन जेनेटिक्स की बात करें तो इसके स्पेशलिस्ट जो जिसको कहा जाता है ये फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स एंड बायोकेमिकल जेनेटिक्स ए गैराड ठीक है ना और इन्होंने वन म्यूटेंट जीन वन म्यूटेंट जीन ठीक है ना ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ वन म्यूटेंट जीन वन मेटाबॉलिक ब्लॉक ठीक है ना एक जीन अगर म्यूटेंट होगा मतलब उसमें चेंज होगा तो एक मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होगा ब्लॉक होगा ये कॉन्सेप्ट इन्होंने ही दिया था ठीक है ना एक एराट नहीं दिया था ओके okay बेटा तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया फिर हम आगे बढ़ते हैं वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट अब जेनेटिक्स को समझने के लिए हम लोग कुछ स्पेशल टर्म्स पढ़ते हैं ठीक है ना और वो जो टर्म आपके एन सी आर टी में मैं बस उसको ही डिस्कस करूँगा जैसे सबसे पहला क्या है फैक्टर फैक्टर क्या है ठीक है ना वॉट इज फैक्टर तो यूनिट ऑफ हेरिडिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ इनहेरिटेंस एंड एपियरेंस ऑफ करेक्टर अब इन फैक्टर को जोहनसन ने जीन कहा कि भाई फैक्टर क्या है तो जीन ही फैक्टर है ठीक है ना मेंडल ने इनको एलिमेंट कहा या फैक्टर कहा मार्गन ने भी इनको मार्गन uh, ने इन फैक्टर के लिए सिंबल का इस्तेमाल किया किसका इस्तेमाल किया सिंबल के लिए ठीक है ना डामिनेट फैक्टर के लिए कैपिटल लेटर और रेसेसिव फैक्टर के लिए स्मॉल लेटर ठीक है ना ये रिप्रेजेंट किया तो बेसिकली जीन जो जीन जिसको बोला जाता है ठीक है ना यूनिट ऑफ हेरिडिट्री जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये यूनिट ऑफ हेरिडिट्री है ठीक है ना जीन तो चाहे आप उसको एलिमेंट कहो चाहे फैक्टर कहो ये अलग अलग ठीक है ना बायोलॉजिस्ट के द्वारा दिया गया टर्म है और फिर जो रिप्रेजेंट करने का काम है सिंबल का काम है वो सबसे पहले मॉर्गन ने किया किसने किया मॉर्गन ने तो डोमिनेंट फैक्टर को कैपिटल लेटर से रेसेसिव फैक्टर को स्मॉल लेटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं अब एल क्या है दूसरा टर्म आता है एल अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन विच आर लोकेटेड ऑन द सम पोजिशन ऑन होमोलोगस क्रोमोजोम्स अब जीन कहाँ क्रोमोजोमस होमोलोगस क्रोमोजोम ठीक है ना तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं एल एल बोलेंगे फॉर्म जैसे आपको देखो ये पेयर के फॉर्म में एक तो पेयर के फॉर्म में होता है कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्माल टी स्मॉल टी तो यही है या तो प्लांट टाल होगा या तो प्लांट हाइब्रिड टाल होगा या तो प्लांट क्या होगा डॉर्फ होगा तो ये एक कंडीशन है बेटा आ रहा समझ में तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये दोनों जो हैं एक अल्टरनेटिव फॉर्म है ठीक है ना जो कि लोकेटेड होते हैं सेम पोजिशन पर होमोलोगस क्रोमोजोम पर तो इनको हम एल बोलते हैं एल हमेशा पेयर के फॉर्म में ठीक है ना एग्जिस्ट करते हैं वाट इज होमोजाइगस अब होमोजाइगस क्या है अगर ए जाएगोट इज फॉर्म बाई फ्यूजन ऑफ टू गैमिट हैविंग आइडेंटिकल फैक्टर अगर एक जाइगोट फॉर्म हुआ है बाई फ्यूजन ऑफ टू गैमिट दो गैमिट के फ्यूजन से ठीक है ना देन इज कॉल्ड होमोजाइगोट इसको क्या बोलते हैं होमोजाइगोट बोलते हैं एंड आर्गनिज्म डबलप्ड फ्रॉम दिस जाइगोट इज कॉल्ड होमोजाइगस तो अगर टू गैमिट आइडेंटिकल फैक्टर हैं, दोनों जो गैमिट है वो आइडेंटिकल है जैसे दोनों कैपिटल टी वाले हों दोनों प्लांट में कैपिटल टी मतलब ऐसे कह सकते एक प्लांट कैपिटल टी दूसरा प्लांट भी कैपिटल टी कैपिटल टी आ रहा समझ में और दोनों को हम क्या करा रहे हैं क्रॉस करा रहे हैं तो ये कैपिटल टी ही आएगा तो अगर इस तरीके से फ्यूजन हुआ तो उसको हम लोग बोलते हैं होमोजाइगस और आप देखो यहाँ एग्ज़ाम्पल में लिखा है आर कलर है रेड कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों है तो आर्फ प्लांट होगा क्या होगा डो प्लांट होगा हेट्रोजाइगस फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमिट कैरिंग डिफरेंट फैक्टर वहाँ फ्यूजन ऑफ टू आइडेंटिकल गैमिट आइडेंटिकल फैक्टर होते हैं और यहाँ डिफरेंट होते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर तो ये सारी चीज़ें हैं इसको हम लोग बोलेंगे हेट्रोजाइगस क्या बोलेंगे हेट्रोजाइगस बोलेंगे ठीक है ना तो ये जो टर्म है होमोजाइगस हेट्रोजाइगस ये क्वाइंट किया था किसने बैटसन ने ठीक है बेटा ये हो गया अब इसमें आपको आ, बाकी पार्ट हमें डिस्कस नहीं करना हमको ये पढ़ना है इसमें फिनोटाइप और जीनोटाइप फिनोटाइप और क्या डिस्कस करना है बेटा जीनोटाइप डिस्कस करना व्हाट इज फिनोटाइप अब फिनोटाइप का मतलब फिनो का मतलब जो फिजिकल अपियरेंस से लिया गया जो भी चीज़ें हम देखते हैं किसी प्लांट को देखने के बाद हमको क्या क्या ऑब्जर्व आता है कि प्लांट टाल है या डॉर्फ है प्लांट का फ्लावर कैसा है तो जो भी एक्सटर्नल जिसको हम लोग बोलते हैं ठीक है ना जो भी एक्सटर्नल और मार्फोलॉजिकल अपियरेंस है किसी आर्गनिज्म का ठीक है ना फॉर ए पर्टिकुलर करेक्टर तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या फिनोटाइप बोलते हैं आरा समझ में तो फिनोटाइप क्या होता है एक्सटर्नल एंड मार्फोलॉजिकल अपियरेंस ये मैंने बोला अभी आपको जीनोटाइप क्या है जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूसन या जेनेटिक मेकअप ऑफ ऑर्गेनिज्म ठीक है ना जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूसन मतलब कैसे बना है वो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं जीनोटाइप और ये दोनों टर्म जीनोटाइप और फिनोटाइप ये टर्म जोहसन ने ठीक है ना क्वॉइट किया था जोहसन ने सबसे पहले इसको प्रपोज किया था जैसे हम लोग अभी बोलते हैं कि जीनोटाइप जैसे मतलब सपोज कर लो हमने कहा टॉल है तो कैपिटल टी स्मॉल टी वाला भी टॉल होगा कैपिटल टी कैपिटल टी वाला भी टॉल होगा लेकिन कैपिटल टी स्मॉल टी वाला हैट्रोजाइगस होगा ये हाइब्रिड है, है और कैपिटल टी कैपिटल टी वाला क्या होगा होमोजाइगस टॉल होगा आ रहा समझ में तो बेटा ये दोनों में डिफरेंस है दोनों का जीनोटाइप अलग अलग है आ गया समझ में अब हम लोग आते हैं डिस्कस करते हैं सीधे फिनो कॉपी हमको नहीं डिस्कस करना है इस सिलेबस में भी नहीं है ठीक है हाइब्रिड या हेट्रोसिस है बोलते हैं ठीक है हाइब्रिड क्या होता है सुप्रियरिटी ऑफ ऑफ स्प्रिंग ओवर इट्स पेरेंट इज कॉल्ड हाइब्रिड विग्योर इसको हाइब्रिड विग्योर अगर आप स्प्रिंग जो है अपने पेरेंट्स से भी सुपीरियर हो ठीक है तो उसको हम लोग हाइब्रिड विग्योर बोलेंगे ठीक है ना और ये बेसिकली जो है मेंटेन किया गया फॉर लॉन्ग टाइम वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड क्रॉप में ये क्रॉप में ये चीज़ें ये देखी जाती हैं अब हाइब्रिड विग्योर कैन बी लॉस्ट अब हाइब्रिड जो विग्योर है जो कि सुप्रियरिटी है पेरेंट्स के ऊपर भी वो भी इन ब्रीडिंग अगर सेल्फिंग होने लगेगी इनमें ठीक है ना इन ब्रीडिंग जिसको कहा जाता है ना सेल्फ पॉलिनेसन होना चालू हो जाएगा सेल्फ सेल्फिंग आ, होना चालू हो जाएगी तो उस केस में क्या हो जाता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन ये बेटा आप लोगों ने इनब्रीडिंग डिप्रेशन रिप्रोडक्शन में पढ़ा था कि अगर लंबे समय तक ठीक है ना दो पर्टिकुलर ट्रेड या दो पर्टिकुलर मतलब जिसको कहा जाता है एक सिंगल स्पीसीज़ में एक ही टाइप के लोगों में क्रॉसिंग हो रही है तो इसकी वजह से क्या होगा इसके वजह से इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है क्या हो जाता है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है बेटा ठीक है तो ये हो गया लॉस ऑफ हाइब्रिड विग्योर ड्यू टू इन ब्रीडिंग तो आपस में ही करने से उसमें क्या होगा इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है तो ये सारी चीज़ें हैं आपका हाइब्रिड विग्योर इसको बोलते हैं ठीक है बेटा तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नेक्स्ट पार्ट में सेंड कर रहा हूँ